हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगली। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको रिएक्ट राउटर का यूज करके दूसरे पेज पे कैसे जाना है और वहां पर जो रिडक्स के आपके स्टोर में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है यहाँ पे लॉगिन करने पर, उसे आपको आउटपुट में कैसे दिखाना है। तो ये काम हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो हम लोग अपने कोड में वापस चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि मैंने व्यू करके एक फाइल बनाया था, व्यू डेटा डॉट जेस, इसमें आपको आना है। यहाँ पर आपको रिडक्स का जो यूज करना होगा तो वही काम करिए, इम्पोर्ट लिखिए। आपको जो कनेक्ट वाला जो फंक्शन है उसे आपको इंक्लूड करना होगा। कहाँ से करेंगे? रिएक्ट रिडक्स से आपको करना है। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कनेक्ट, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट में जो है कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे आएंगे अपने इसमें रेंडर वाले फंक्शन में, और उसके ठीक नीचे आना जो कि जहां पे क्लास एंड हो रहा है उसके नीचे आना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट, या मैं यहाँ पे लिख भी क्यों रहा हूँ, मुझे लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा लॉग इन फॉर्म से ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यही चीज मुझे करना है तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पर व्यू डेटा में जाना है, पेस्ट कर दीजिए। मैप डिस्पैच टू प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो है रिडक्स के स्टोर पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करना है, तो इसीलिए आपको जो एक्शन क्रिएटर की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको तो केवल वैल्यू बस रीड करना है। तो हम लोग मैप स्टेट टू प्रॉप्स का यूज करेंगे, लॉगिन वाला लेंगे, प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है, इसे रिमूव कर देते हैं। और यहां पर जाएंगे, यहां पर लिखेंगे कनेक्ट, ये लिखना है इस तरीके से। इसको जो पैरेंथेसिस में क्लोज करना है, कंपोनेंट का नाम यहां पर आपको लिखना होगा, मैप स्टेट टू प्रॉप्स, कॉमा लगाना है। जो डिस्पैच फंक्शन जो होते हैं, जो आप यहाँ पे लिखते हैं, जो आपके एक्शन क्रिएटर होते हैं, वो एम्प्टी रहेगा यहां पर। और जो ये काम हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे ईमेल की जगह पे लिखेंगे ये, और यहाँ पे लिखेंगे दिस, और हम लोग यहाँ पे दिस भी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी स्ट्रक्चर करते हैं जो डेटा इससे आ रहा है। वो कैसे होगा, रेंडर फंक्शन में जाना है, यहाँ पे लिखिए कॉन्स्ट, करली ब्रैकेट, इक्वल टू लगाना है, दिस डॉट प्रॉप्स आपको लिखना होगा, डॉट लॉग इन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉग इन। और यहाँ पे क्लिक किया, मैंने लिखा इज लॉग्ड इन करके जो है उसका वैल्यू चाहिए, और मुझे यूजर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया। और यहां पे हम लोग लिखेंगे अब आकर यूजर डॉट ईमेल, और यहां पर हम लोग लिखेंगे पासवर्ड, ये मैंने लिख दिया, पासवर्ड हो गया। और यहां पे हम लोग लिखेंगे ये इज लॉग इन, तो हम लोग ने यहां पे लिखा ये जो है इज लॉग्ड इन जो है वो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग यहां पर ऊपर की तरफ जो क्या करेंगे, एक लिंक दे देंगे, और ये लिंक जो है आपको लिंक करके जो एक चीज होता है उससे आपको बनाना है, जो कि रिएक्ट राउटर जो आप इंस्टॉल करते हैं लाइब्रेरी उसके अंदर आपको मिलता है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ये आपको लिखना है। और यहां पर आपको लिखना होगा लिंक टू, किस पे जाना है, मैंने कहा कि फॉरवर्ड स्लैश, जो आपको जाना है केवल फॉरवर्ड स्लैश पे जाना है, मैंने ये लिख दिया। और यहां पर मैंने लिखा लॉगिन पेज, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यही लिंक कॉपी करना है, लॉगिन फॉर्म वाले कंपोनेंट में आना है, यहां पे पेस्ट कर देना है। और मैंने यहां पे कहा व्यू डेटा, इस पे जाना है, इस पे क्या लिखा होना चाहिए, मैंने कहा व्यू लिखा होना चाहिए। अब ये लिंक आपने जो यहां पे यूज किया है, इसे आपको इम्पोर्ट भी करना होगा। ऊपर की तरफ जाएंगे, यहां पे लिखेंगे इम्पोर्ट, ये पेस्ट करना है, और किससे करना है, रिएक्ट राउटर डॉम से आपको करना है, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है क्या होगा कि आपको आना होगा अपने इसमें app.js में, app.js में आएंगे यहां पर, यहां पर आपको जो रिएक्ट राउटर डॉम का जो सेटअप वो करना होगा। तो मैंने यहां पे ये लिखा, फ्रॉम लिखा, रिएक्ट राउटर डॉम लिखा। सबसे पहले जो आपको जरूरत होती है जिसकी उसे हम लोग कहते हैं ब्राउजर राउटर, इसे हम लोग एज कीवर्ड का यूज करके एक नाम देंगे, मैंने इसका नाम रखा राउटर, कॉमा लगाना है, इंटर दबाना है। उसके बाद हमें जरूरत होगी राउट की, इसकी जरूरत होगी, कंपोनेंट है इसकी जरूरत होगी, और ये मेरा हो गया। अब फिर आपको क्या करना है, इस div टैग को जो है डालना है आपको राउटर के अंदर, ये मैंने कर दिया यहां पर, ये मैंने कट किया, यहां पे पेस्ट कर दिया, यहां पे इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉरवर्ड टैब दबाना है, कोड सही हो जाएगा। यहां पर हमें लिखना होगा, सबसे पहले इसे कट करके राउट लिखना होगा, फिर हमें पाथ लिखना होगा कि कौन से पाथ पर कौन सा कंपोनेंट लोड करके दिखाना यूजर को। मैंने कहा कि अगर केवल फॉरवर्ड स्लैश लिखा हो वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में, जो कि ये है, और ये जो है बेस यूआरएल है, ये आपका बेस यूआरएल है, अगर इस तरीके से केवल लिखा होगा तो लॉगिन पेज को
दिखाओ आउटपुट में। तो मैंने कहा ये तो कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, मैंने कहा लॉगिन वाला दिखाना है। फिर मैंने कहा कि अगर राउट में लिखा हो व्यू लिखा हो तो कौन सा वाला कंपोनेंट दिखाना है, आपको व्यू वाला दिखाना है, तो उसे आपको इंपोर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, मैंने लिखा व्यू फ्रॉम ये डॉट फॉरवर्ड स्लैश, कंपोनेंट्स में जाना है फॉरवर्ड स्लैश व्यू डेटा में आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिखना होगा व्यू डेटा, ये कॉपी करना है पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको राउट में एग्जैक्ट भी जो है वो ऐड करना होता है। ये लिखने से क्या होता है कि जो आपका वेब ब्राउजर का जो URL होता है उसमें जब केवल ये लिखा होगा तो ये आएगा, तो ये एग्जैक्ट को जो आप लगा लीजिएगा। और इसका मतलब ये भी होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई, जैसे यहाँ पे आप एक और लिंक लिखते, ये मैंने कर दिया पेस्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे लिखता व्यू ये लिखा हो फिर कुछ और लिखा हो, और यहाँ पे मैं एग्जैक्ट नहीं लिखता और ये लिंक अगर पहले लगा हुआ होता तो क्या होता कि जैसे ही जो आपका रिएक्ट राउटर डॉम है वो देखता कि अच्छा URL में केवल फॉरवर्ड स्लैश व्यू लगा है तो तुरंत इसको कर देता जबकि मुझे इस पे जाना था। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एग्जैक्ट लिखना होता है। अब जब पूरा का पूरा मैच करेगा ये पोर्शन तभी ये लोड होगा, जब पूरा का पूरा मैच करेगा ये पोर्शन तब ये लोड होगा। तो ये वाला तो मुझे रखना नहीं, इसको मैं हटा देता हूं, आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो ये मैंने कर दिया। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने वेब ब्राउजर पर जरा चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहां पर आएंगे अपने लॉगिन रिड्यूसर पर, उस पर जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया था, जरा इसको हटा देते हैं, यहां से फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने इसको हटा दिया, यहां पर मैंने इसको हटा दिया, पेज पर चलते हैं एक बार, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए व्यू डेटा पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहां पहुंच गए, लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे यहां पहुंच गए, व्यू डेटा पे क्लिक किया कोई डेटा यहां पर फिलहाल नहीं दिख रहा है। अब लॉगिन पेज पे चलते हैं, लॉगिन करते हैं, मैंने कहा ये मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 मैंने कर दिया, लॉगिन पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए डेटा जो रिडक्स में सेट हो चुका है। व्यू डेटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे डेटा आ गया। अब यहाँ पे इस लॉगिन की जगह पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसकी वजह ये होगा कि की वैल्यू जो है वो शायद से गलत होगी। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, लॉगिन पे देखते हैं, इस लॉग्ड इन लिखा हुआ है जो स्टेट का वैल्यू है। जरा हम लोग चेक करते हैं अपने कोड में हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर। तो देख सकते हो व्यू डेटा में आपको जाना है, यहाँ पे इज लॉग्ड इन ही मैंने जो है लिखा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो है यहाँ पे इसमें चेक करते हैं क्या लिख के आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग आपको करना होगा, कंसोल डॉट लॉग आपको करना है, और यहाँ पे आपको लिखना होगा इज लॉग्ड इन। पेज को एक बार हम लोग रिफ्रेश करेंगे अपने, और जो कंसोल पे जाएंगे लॉग इन पेज पे जाएंगे, एक वैल्यू सेट करते हैं, मैंने कहा abc.com 1 2 3 4 5 6 लॉग इन पे क्लिक करते हैं, सेट हो गया, इस पे चलते हैं और कंसोल में देखिए ट्रू आ रहा है, मतलब वैल्यू मिल रहा है पर वो आउटपुट में यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस लॉग इन की जगह पे लिखते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लॉग्ड इन, ये मैंने लिख दिया। और अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं फॉल्स होगा तो हम लोग लिखेंगे लॉग्ड आउट, ये हम लोग लिख देंगे। पेज पे चलते एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखिए लॉग्ड आउट आ गया जो कि बिल्कुल सही है। लॉग इन पेज पे चलते हैं, ABC लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ पर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन हो गया, व्यू डेटा पे जाना है, ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये आप देख सकते हैं रिडक्स का कैसे यूज करना है, अलग अलग पेज पे देखिए डेटा आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे व्यू डेटा वाले कंपोनेंट में जाके लॉगिन वाले स्टेट की वैल्यू को मैं चेंज कर देता एक्शन का यूज करके, जैसे कि मैंने इसमें किया था लॉगिन फॉर्म में, तो जो डेटा मैं यहाँ पे चेंज करता वो अपडेट मुझे वापस दिखने लगता लॉगिन पेज पर। तो आप ये भी देख पाएंगे ये ऐसे होता है। अभी जो मेरा Amazon क्लोन वाला जो प्रोजेक्ट है, जो रिएक्ट जैसा काम चल रहा है, जहां मैं सब करने वाला हूं, वहां पर आप ये देख भी पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जो रिडक्स का यूज करते हैं, डेटा सेंट्रलाइज्ड हो गया, सारी चीजें एक जगह पर आ गई, अपडेट करेंगे एक जगह पर अपडेट होगा, सब जगह पर दिखने लगेगा, तो इस तरीके से हो गया। तो ऐसे आपको जो यूज करना है, तो ये जो था आपका इसका बेसिक काम था। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड को वही GitHub पे पहुंचा देंगे, और जो हम लोग का सारा काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग अपने कोड को लेते हैं और GitHub पे पहुंचा देते हैं, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, इन इन फाइल में चेंजेस किया गया, प्लस पे क्लिक करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राउटर सेटअप, हम लोग लिख देंगे, और इस पर टिक मार्क पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, पुल पुश पर जाएंगे, पुश टू पर जाएंगे, URL सेलेक्ट करेंगे, GitHub पे मेरा सारा कोड जो पहुंच जाएगा, और वहां से आप भी जो मेरे सारे कोड को एक्सेस कर पाएंगे। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं, ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में दिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा,
और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।